एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। और बहुत समय बाद हम ये ब्लॉग बना रहे हैं और मैं राइड पे जा रहा हूँ। बहुत समय पक गया हूँ मैं घर पे। तो अब हम जा रहे हैं 10 दिन के टूर पे, वो भी उत्तराखंड। और उत्तराखंड कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ के बाद जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद जाएंगे हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, तुंगनाथ, माना और ओली वगैरह जो भी मतलब कि हमारे आसपास होगा तो उसको एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास समय है 10 दिन का और 10 दिन में मैक्सिमम हम कवर करेंगे। और इसमें से दो खतरनाक ट्रैक्स हैं, 12 किलोमीटर का केदारनाथ का ट्रैक है और आई थिंक हेमकुंड का 16 किलोमीटर का ट्रैक है और बीच में फूलों की घाटी का भी 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ट्रैक काफ़ी है, तुंगनाथ का भी ट्रैक है। तो ट्रैकिंग में हमारी वाट लगने वाली है और आपको पूरा मज़ा आने वाला है। टोटल हम यहाँ से जा रहे हैं 6 राइडर, 5 बाइक्स हैं, 3 आ रहे हैं लखनऊ से, मेरा मनोज भाई आ रहे हैं और उनके 2 फ्रेंड आ रहे हैं और गौरव भाई आ रहे हैं एमपी से आ रहे हैं, तो और सुरेंद्र भाई हैं वो आ रहे हैं सोनीपत से। तो हम सब मिल के जा रहे हैं अपना केदारनाथ। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो थिंक टू कैरी, जो भी हम ट्रैक कर रहे हैं और केदारनाथ जा रहे हैं, इस रूट पे जा रहे हैं, तो क्या क्या हमें ले जाना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल मतलब कि ज़रूरी सामान है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारा तामझाम है जो बाइक पे लोड करना अभी मेरा बाकी है। इसमें मेरा इनर्स हैं, गरम लोअर है और इसके बाद अंडरवियर्स हैं, सॉक्स हैं, ये मेरा ड्रोन है, फर्स्ट टाइम हम यूज़ करेंगे इसको ड्रोन को, मेरी टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स हैं और इसके अलावा हमारे गैजेट्स हैं जो रिकॉर्डिंग करेंगे, मेरे राइडिंग शूज़ हैं, ट्रैकिंग शूज़ हैं, ये अपना चप्पल ले जाएंगे, ये थोड़ा स्नैक्स लेके जा रहा हूँ, ये हम कॉफ़ी के पैकेट्स हैं, ORS, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, ORS के पाउच ज़रूर कैरी करना इस रूट पर, कभी भी ट्रैक करो या जैसे लद्दाख जाते हैं तब भी हम मैं ले के जाता हूँ, ORS बहुत ही यूज़फुल है। और लॉन्ग ट्रिप के लिए आप चेन ल्यूब जरूर रखें साथ में, हर 500 किलोमीटर पे आपको चेन ल्यूब करना पड़ता है। ये हमारा स्पीकर्स हैं, ये फर्स्ट एड की हम मेडिसिन लेके जा रहे हैं साथ में, तो मैंने अपना फर्स्ट एड बना रखा है। ये पंचर किट है और पंचर किट के साथ हमारे पास है एयर फिल्टर, ये अपना इन्फ्लेटर है, एयर इन्फ्लेटर है, नी कैप है और इसके बाद क्रेप बैंडेज और ये कुछ हम चॉकलेट्स वगैरह मतलब कि डार्क चॉकलेट ग्रेनुला बार्स हैं ये। तो इसके अलावा एयर सीट्स मैं लगाऊंगा, ये मेरा साइड पॉकेट कैरी करने के लिए, ये मेरा LS2 का हेलमेट है, ये एक जैकेट है, अपना लैपटॉप है। तो ये देख लीजिए, टोटल ये हमारा इतना बड़ा तामझाम है और इसको अभी हमने बाइक पे सेट करना है। तो खाने पीने का सामान ज़रूर कैरी करना। और मेरा प्लान जो मैं बता दूं आपको, अभी मैं 12:30 के आसपास, 12:30 एक बजे के आसपास निकलूँगा और यहाँ से मतलब कि बाईपास मुकरबा चौक से पहले वहाँ पे सुरेंद्र भाई मिलेंगे, वहाँ पे मैं उनको पिक करूँगा, फिर हम जाएंगे सोनीपत और वहाँ पे हम उनकी बाइक उठाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे अपना हरिद्वार। आज का स्टे हमारा हरिद्वार होने वाला है, सभी जितने राइडर हैं आज हम हरिद्वार पे असेंबल होंगे रात को, तो 8-9 बजने वाले हैं पक्का रात तक। तो वहाँ से फिर सुबह से हम अपना जो जर्नी है शुरू करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ आखिर तक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जाट ऑन व्हील्स, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जाट ऑन व्हील नॉट व्हील्स, ठीक है? तो मिलते हैं बाइक पे आपको। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं बाइक पे और आज हमारी राइड शुरू हो चुकी है केदारनाथ की, उत्तराखंड की राइड। और इस राइड में हम रहने वाले हैं आपके साथ पूरे 10 दिन तक, और 10 दिन में हम काफ़ी जगह एक्सप्लोर करेंगे और केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ जी के, और अपना तुंगनाथ, माना
और हेमकुंड साहिब के भी दर्शन करेंगे। तो काफ़ी होली राइड होने वाली है हमारी इस बार की। और अभी हम जा रहे हैं जो मुकरबा चौक से पहले मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, अभी सुरेंद्र भाई मेरा वेट कर रहे हैं और उनको लेके मैं जाऊंगा पहले सोनीपत, और सोनीपत से फिर हम दो बाइक से जाएंगे हरिद्वार। आज का स्टॉपेज है हमारा हरिद्वार, वहाँ पे हम सभी राइडर असेंबल होंगे। और मनोज भाई आ रहे हैं, गौरव भाई आ रहे हैं और दो भाई और हैं। टोटल हम लगभग 6 राइडर्स हैं जो कि केदारनाथ की राइड पे जा रहे हैं। तो शाम को सब हम असेंबल हो जाएंगे एक साथ और सुबह फिर कल सुबह हमारी जो जर्नी है केदारनाथ की सफ़र शुरू हो जाएगा। और आप मेरे साथ बने रहना आखिर तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंजॉय होने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा और आपको इसी तरह बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और इस बार का जो ब्लॉग है काफ़ी लेट आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि काफ़ी सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से हम कोई भी राइड पे नहीं जा सके। मेरी लद्दाख राइड कैंसिल हो गई है और भी 2-3 राइड मेरी कैंसिल हो चुकी है, तो आगे बात करेंगे इस बारे में भी। और अभी तो पहला हमारा टारगेट है पहुंचना सुरेंद्र भाई के पास। ये पश्चिम विहार का है ना पेट्रोल पंप? जीरो देख लो, तो फोटो भी आ रही मेरी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी पश्चिम विहार के पेट्रोल पंप पे और टैंक फुल कराना है। तो अभी दो जगह मैं बहुत ही तगड़े जाम में फंस गया था और मैं अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया और इतनी गर्मी लग रही है, जब बाइक खड़ी हो जाती है तो इतनी गर्मी लगती है मैं बता नहीं सकता यार, बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन बाइक चलती है फिर तो ठीक लगता है, अब थोड़ा हवा लग रही है लेकिन जैकेट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सुरेंद्र भाई के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मैं लगभग 40 मिनट लेट हूँ। बादली मोड़ जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच गए हैं, आगे है मुकरबा चौक और यहाँ पे ही हमें सुरेंद्र भाई मिलेंगे। अरे यार बहुत आगे रश, वो कनेक्ट नहीं है, ये चेंज किया ना, दूसरा चेंज किया, वो कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ खड़ा हूँ तो दिखे नहीं, पीछे खड़ा हूँ तो फिर जाना पीछे हो गया। नहीं, वो मैंने मेट्रो स्टेशन देख लिया था, मैंने कहा यही है मेट्रो स्टेशन। तो ये था सिंघू बॉर्डर और दिल्ली को हमने क्रॉस कर लिया है, तो दिल्ली हो गई है बाय बाय और वेलकम है हरियाणा में। तो ये है सोनीपत का सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पे हम एंटर कर गए हैं और अभी जा रहे हैं सुरेंद्र भाई के घर और वहाँ पे लगभग आधा एक घंटा लग जाएगा हमें निकलने में और वहाँ से फिर सीधा निकल पड़ेंगे हरिद्वार को। तो वहाँ से सोनीपत से मुझे लग रहा है कि 3.5 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो गए हम सोनीपत के अंदर पहुंच गए हैं, मेन सोनीपत के अंदर ये मार्केट है सोनीपत की। और ये भाई जा रहे हैं, कह रहे हमने आपको सब्सक्राइब किया है। 2-3 भाई लोग आ चुके हैं, भाई कौन सा चैनल है क्या है भाई, गर्मी ने ले रखी है और गला एकदम सूख गया है प्यास की वजह से, बहुत पानी लॉस हो गया मेरा गर्मी की वजह से, पूरी जो अपने अंदर टी शर्ट भीग चुकी है। तो गाइस 4 बज चुके हैं और हम यहाँ 3 बजे पहुँच गए थे और बहुत ही थकावट हो गई थी और 1 घंटे में हमारी थकावट दूर हो गई है और मैंने हाथ ही 3-4 गिलास पानी पिया तब जाके थोड़ी शांति आई है। तो हम अब निकल पड़े हैं अपना हरिद्वार के लिए और सबसे बड़ा टास्क है सोनीपत से निकलना
और उसके बाद हाईवे पे पहुंच के फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब धीरे धीरे मौसम भी ठीक हो रहा है, 4 बज चुके हैं और गर्म जो मौसम का गर्मपन है वो कम हो गया है। कहाँ से आए हो आप वापस? वापस नहीं है, भाई के साथ जाना है ना, भाई के पास आया था सोनीपत। अच्छा, कितने दिन का ट्रिप है? ये सोनीपत ही रहता है ना, ये 10 दिन का, 10 दिन। ठीक है, बस बढ़िया। फिर आएंगे, पहुंचा दियो है। बागपत 23 मेरठ 67 और 4:40 हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं जीटी रोड और ये सोनीपत से निकल के बागपत की तरफ आप शायद जाएंगे। एक रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और मेरे जो लेफ्ट हैंड पे शामली पड़ेगा और राइट हैंड पे बागपत पड़ेगा, तो हमने तो जाना है अपना सीधा आई थिंक। और ये रिवर आई थिंक कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। हाँ जी, किसका? ये 4 लाख की है, हरिद्वार 130। तो गाइस ये जो रूट है, ये रूट है बागपत से जो सहारनपुर वाला रूट है, और सहारनपुर लगभग 100 किलोमीटर अभी और है, उसके बाद ही कोई अच्छा हाईवे मिलेगा। ये स्टेट हाईवे है और मुजफ्फरपुर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर अभी और है, और हरिद्वार आई थिंक होगा 80-85 किलोमीटर। अभी 2 घंटे कम से कम और राइड करनी है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा, स्नैक्स और जगह कहाँ पे है, हैं? हाँ आवाज़ तो आ रही है। हाँ, हाफ 1.5 आवर की राइड और अभी हमने करनी है। ये हमारी KTM एडवेंचर 390 जिसके साथ मैं फर्स्ट टाइम कोई अच्छी राइड प्लान कर रहा हूँ और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं केदारनाथ। और ये केदारनाथ यात्रा मैं पिछले 4-5 साल से प्लान कर रहा था, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से 3 साल वैसे चले गए, 2 साल कभी कुछ पंगा कभी कुछ पंगा, आखिरकार अब जाके हमें मौका मिला है। ओहो, तो ये था वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा। चाय तो बहुत मस्त थी यार, हाईली रिकमेंडेड, बहुत ही अच्छी चाय थी इसकी। और आपको हर जगह की मैं रिव्यू देता रहूँगा, साथ में कौन सा खाना पीना कहीं पे अच्छा है कि नहीं है। ये मुजफ्फरनगर को क्रॉस कर लिया हमने, पंडित जी का शुद्ध वैष्णो, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है इस पूरी लाइन में। तो हरिद्वार में आज सभी का स्वागत है और ये ब्रिज है और ये गंगा रिवर है, होली गंगा रिवर, और ये घाट है। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे जो ऑलरेडी बुक है और हमारे भाई लोग पहुंच चुके हैं पहले ही और हम पहुंचने वाले हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं हरिद्वार का दृश्य है ये। तो गाइस हम पहुंच गए हैं होटल नक्षत्र इन, एसी रूम अवेलेबल हियर। तो ये हरिद्वार की मार्केट है और उसके अंदर है ये होटल। तो यहाँ पे अब अपना बैगेज अनलोड करते हैं और फिर होटल में चलते हैं और बाइक फिर कहीं पार्क करेंगे, पीछे पार्किंग। तो गाइस हम जो अपना हरिद्वार में 8 बजे पहुंच गए थे, ये मेरा होटल है और ये जो स्टेशन रोड है अपना हरिद्वार में उसके उस रोड पे ये होटल है। तो यहाँ पे हमने स्टे ले लिया है और 2 रूम लिए हैं, 6 लोग हैं हम, तो लगभग 1600 रुपये हमने पेड किया है। तो ये रूम की हालत देख लो और पीछे हमारा सामान देख लो,
कबाड़ की तरह सामान हमने ठूस रखा है यहाँ पे, ये देखो पूरा। तो बस अब प्लान ये है कि अभी हम खाएंगे पियेंगे और सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। और गौरीकुंड से पहले जो भी मतलब सीतापुरी है जगह, तो वहाँ पे हम स्टे लेंगे और अपनी बाइक्स को पार्क ऐसी जगह करेंगे जहाँ अच्छा होटल हो जिसके अंदर पार्किंग हो, तो वैसा कोई होटल ढूंढेंगे और वहाँ पे पार्क करेंगे और अपनी बाइक लगभग 2 दिन वहाँ पे पार्क रहेगी। और मोस्टली हमारा सामान होटल के अंदर ही रहेगा, हम साथ में जो बैग लेके जाएंगे उसमें 1-2 गर्म कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान लेके चलेंगे, क्योंकि ट्रैक है, लंबा ट्रैक है और ज़्यादा सामान लेके जा नहीं सकते, हमारे गजट ही इतने हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था और अभी सब भाई लोग इधर उधर गए हैं, कल सुबह मैं सबसे मिलवाऊंगा आपको, 6 के 6 लोग हमारे जितने भी जो जा रहे हैं। तो आज थकावट हो चुकी है तो अब बस सोने की तैयारी हो रही है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे कमेंट करना, इस ब्लॉग में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखना आप लास्ट तक। तो गाइस अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।